बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देख लें। चलें जी शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे गले में थोड़ी सी हराश है, इरीटेशन है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ा मसला दरपेश आ रहा है, तो थोड़ी सी आवाज़ में गड़बड़ी हो तो हमने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो बाकी चलें जी वीडियो की जानब बढ़ते हैं और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहतियाबी दे, आमीन। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बात करें कि इसका ताल्लुक किस क्लास से है, तो इसका जो ताल्लुक है दोस्तों वो माइनोग्लाइकोजाइड जो एंटीबायोटिक क्लास है उसके साथ इसका ताल्लुक है। ये काम कैसे करती है, ये जो होते हैं बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को रोक देती है, जिससे मजीद जो होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ वो नहीं हो पाती, जो पहले बैक्टीरिया किल हो चुके होते हैं तो इन्फेक्शन जो है आस्ता आस्ता क्योर हो जाती है। अब हम जानते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में कि कौन सी स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। दोस्तों ये वेरी कर सकता है कंपनी वाइज और रीजन वाइज, ठीक है। जिसके बारे में हम बात करेंगे वो 40 mg पर ml और 80 mg पर 2 ml है, और ये जो मुस्लिम कंपनियों ने इसकी जो पैकिंग है उसमें डिफरेंस रखा है, जैसे कि 40 mg पर 2 ml की डोज में भी आता है, 80 mg पर ml और 80 mg पर 2 ml की डोज में भी ये इंजेक्शन आते हैं कंपनी वाइज। बात करते हैं ब्रांड नेम की कि पाकिस्तान में इसके कौन से मशहूर ब्रांड नेम्स हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है उसमें जेंटामाइसिन, जेंटासिन, जेंटिक, ठीक है, ये कुछ इंजेक्शन थे जो कि मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम जानते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कौन से मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करती है, तो बहुत सारे इसके यूजेज हैं मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अगर किसी को जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन हो जाए, यानी हड्डियों में या फिर जोड़ों में किसी को इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा अगर किसी को स्किन का इशू है, सॉफ्ट टिश्यू और स्किन इन्फेक्शन है, उसमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाएगा। बर्न में भी ये इस्तेमाल किया जाता है, कुछ टिश्यू जल गए हैं तो उससे जो इन्फेक्शन होती है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा UTI में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें ये होता है कि आपके जो गुर्दे में सैने की नाली होती है या फिर यूरिथ्रा होता है उसमें कहीं पे इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो फीमेल्स में होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या फिर गोनोरियल इन्फेक्शन जो होती है उसमें बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सेप्सिस में इस्तेमाल होता है, मेनिंजाइटिस में इस्तेमाल होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लंग्स इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, नमोनिया में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मजीद यूजेस की बात करें तो इंट्रा अबडामिनल इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, हार्ट इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन यानी कि अगर आपके दिमाग में कहीं पर इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें इस्तेमाल करवाया जाएगा, ओल्ड वाउंड अगर हील ना हो रहा हो, पुराना कोई जख्म है वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है मजीद दूसरी एंटीबायोटिक के साथ। प्री और पोस्ट सर्जरी, अगर किसी ने को ऑपरेट करवाना है तो उससे पहले भी लगाया जा सकता है और बाद में भी लगाया जा सकता है, ताकि जो अगर कोई इन्फेक्शन हो एहतियाती तौर पर इसको लगाते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन हो तो बैक्टेरिया को किल किया जा सके। और उसके अलावा यही था ये छोटा सा रिव्यू इसका यूजेस का। अब हम जानते हैं किसके कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। उसमें दोस्तों मरीज़ का दिल ख़राब हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती है, नौजिया एंड वॉमिटिंग कंडीशन होती है, मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है, और उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है एट इंजेक्शन साइट, मतलब जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि खारिश हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और स्वेलिंग हो सकती है। और उसके अलावा ब्लड इन यूरिन, मतलब कि जो यूरिन पास करते हैं तो उसमें ब्लड आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है, बैक पेन हो सकती है, डबल विजन जो होता है वो हो सकता है पेशेंट को, यानी धुंधला नज़र आ सकता है। और उसके अलावा
किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेशेंट को, और नर्व जो है नर्व्स वो डैमेज हो सकती हैं। अब हम जानते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में कि कौन सी जो प्रिकॉशन वो हमें कहते हैं कि कौन सी प्रिकॉशन जो है वो करनी चाहिए इस इंजेक्शन को लगाने से पहले। अगर तो आपको इस साल से या फिर दूसरी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि टोब्रामाइसिन अमिकासिन वगैरह उनसे एलर्जी है तो फिर आप इसको यूज़ ना करें बल्कि अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट को बताएं। और उसके अलावा अगर आपको हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं ठीक है यानी आपको सुनने में मसाइल हैं तो आपके कानों का कोई मसला है तो तब भी डॉक्टर को बताएं। किडनी प्रॉब्लम्स हैं अगर आपको तब भी अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। लो ब्लड मिनरल्स मतलब ये कि अगर आपके ब्लड में जो मिनरल्स हैं उनकी कमी है तो उस कंडीशन में भी नहीं इस्तेमाल होता ये। और उसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस कंडीशन होती है उसमें भी इसको इस्तेमाल नहीं करते और पार्किंसन डिजीज में भी इसको इस्तेमाल नहीं करते। अब हम जानेंगे इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कौन से तरीके से इसको लगाया जाता है। दोस्तों इसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरीके से लगा सकते हैं यानी आप इसको मसल में भी लगा सकते हैं और नस में भी लगा सकते हैं। बात करें इसकी डोजेज की तो जो डोज है दोस्तों वो पेशेंट की जो कंडीशन है उसके मुताबिक और उसके अलावा पेशेंट का जो एज पेशेंट की जो एज और वेट है मतलब वजन और उम्र के हिसाब से डिसाइड की जाती है और वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कौन सी कंडीशन में कितनी डोज रिकमेंड करनी है। वैसे जनरली जो यूज़ की जाती है डोज वो 3 mg to 5 mg per kg पर डे यानी एक दिन में जो होती है 3 mg से लेकर 5 mg तक की जो डोज है 1 kg वजन के हिसाब से वो रिकमेंड की जाती है। ये दिन में एक दफ़ा भी लग सकता है, 2 दफ़े भी लग सकता है और 3 दफ़ा भी लग सकता है। फिर इसकी डोज कैलकुलेट कर ली जाती है अगर TDS में लगाना है या BD में लगाना है। ये था दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू जेंटामाइसिन इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अगर आपका कोई भी सवाल या इंक्वायरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप रात के 9 बजे के बाद हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।